इस गाड़ी में आपको प्रीमियमनेस मारुति की मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी आपको मिल भी नेक्सा से रही है, तो जहाँ पे मारुति के साथ नेक्सा वर्ड जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रीमियम सेगमेंट बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी गाड़ी लेने की बात आती है तो गणित बहुत काम आता है। कुछ गणित पेपर पर होता है और कुछ गणित पैसे का होता है, और पैसे की वैल्यू एक बैंकर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो आज हमारे साथ इस नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के एक ओनर कुणाल चौधरी जी जुड़े हैं, जो पेशे से एक बैंकर हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कुणाल चौधरी जी के एक्सपीरियंस की, इस नई मारुति फ्रॉन्क्स के साथ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसी लगी उनको ये गाड़ी, और सारी बातें होंगी इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने बलेनो को छोड़ के फ्रॉन्क्स को क्यों चुना? देखिए, बलेनो को छोड़ के फ्रॉन्क्स पे शिफ्ट करना मेरा ये रीज़न था कि एक तो गाड़ी का जो स्टांस है ये थोड़ा सा बेटर है, हाइट वाइज, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज, सारी चीज़ें वाइज। तो ये एक जो सेगमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट मारुति ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये गैप कोई कवर कर नहीं पा रहा था जी। तो मारुति ने ये गैप कवर किया। अगर इस गाड़ी की अगर आप देखेंगे तो एक गाड़ी आपकी बलेनो और ब्रेजा जी बीच में स्टैंड करती है। तो यही रीज़न था, क्योंकि एक तो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल फ्रेश है इन दी मार्केट, तो यही रीज़न से मैंने लेटेस्ट जो डिज़ाइन है मार्केट में वो मैंने इसको ऑप्ट किया है। तो सर, जैसे कि मारुति कहती है कि माइक्रो एसयूवी है, तो आपको कितना ये एसयूवी वाला फील देती है? एसयूवी वाला फील तो देखिए, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस इसकी गाड़ी की ज़्यादा है तो एसयूवी फील तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो इसका अंदर का जो सीटिंग पोजीशन है वो भी आपको थोड़ा सा सिमिलर टू, मतलब एक मिड साइज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी हम बोलते हैं उसके इक्वलेंट ही है। अब ये सेगमेंट जो मारुति ने जो इंट्रोड्यूस किया है, ये सेगमेंट जो क्या है, ये एज पर मारुति ये सेगमेंट है एसयूवी कूपे डिज़ाइन जी। तो ये इसमें आपको एसयूवी वाला फील तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, आप इसके अलावा कोई और गाड़ी देख रहे थे, या आपने इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में देखा था और पसंद आ गई, तो क्या हुआ था सर? नहीं, इस बारे में ऑटो एक्सपो जा नहीं पाया था। ये गाड़ी मैंने जब शोरूम पे आई थी तब देखी थी। मैंने ग्रैंड विटारा बुक करवाई हुई थी जी। ये आपने कब करवाई थी? ये ग्रैंड विटारा मैंने बुक कराई थी नवम्बर में। ओके। तो उसकी वेटिंग ज़्यादा थी, तो वो गाड़ी मेरे को चाहिए थी। मैंने ये शोरूम विजिट किया था दिस मंथ ओनली, कि मेरे को कार का उन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम बोला था कि गाड़ी हमारे को मिल जाएगी मई मंथ में, तो बट अभी पीछे से गाड़ी आ नहीं रही है, तो वो फिर गाड़ी जो है और आगे 2-3 मंथ्स एक्सटेंड हो गया। तो मैंने गाड़ी देखी शोरूम पे, तो मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी, तो वही मैंने उनसे पूछा कि ये अगर मैं इस मॉडल पे स्विच करता हूँ तो ये कार मेरे को कब दे देंगे? तो कहते हैं ये फिर गाड़ी आपको विद इन अ वीक और 10 डेज़ के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो आपको मिली ये गाड़ी? मेरे को मिल गई। ओके। वो गाड़ी मैंने मैनुअल बुक कराई थी, ये मेरे को इसका AGS मॉडल मिल गया, तो मतलब वो भी बेटर ही है डेली जैसे ट्रैफिक के लिए। मैनुअल से AGS इज़ फार बेटर कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो। तो गाड़ी में मेरे को कहीं पे डिज़ाइन में कहीं पे कोई इशू लगा नहीं, तो गाड़ी पसंद आ गई, तो फिर मैंने GV को छोड़ के फिर आई मूव टू दिस कार फ्रॉन्क्स। तो सर, डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं, तो डिज़ाइन में आपको क्या अट्रैक्ट कर गया? मतलब आप ग्रैंड विटारा देख रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये भी एक ग्रैंड विटारा वाला रिजेम्बलेंस देती है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में थॉट आया? ये थॉट तो खैर था ही मेरे दिमाग में कि मतलब ग्रैंड विटारा का, क्योंकि अभी क्या है ना, मार्केट में सब इसको ही बोल रहे हैं कि ये मिनी ग्रैंड विटारा है, क्योंकि आगे जो इसका जो लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है। करेक्ट करेक्ट। जो ये LED सेटअप है और जो इसका ये हेडलाइट वाला है, इट्स सिमिलर टू दी ग्रैंड विटारा ही ओनली। तो बाकी मेरे को इसका जो थोड़ा सा जो डिफरेंट स्टाइल लगा था वो दैट इज़ दी कूपे डिज़ाइन, जो SUV का जो पीछे जो इसका जो कूपे डिज़ाइन है जी, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करा था, तो इसीलिए फिर मैंने डिसीजन ले लिया। अदरवाइज ग्रैंड विटारा भी मतलब बहुत अच्छी कार है, तो मतलब मेरे को ये एक पॉइंट की वजह से कि इसका कूपे डिज़ाइन है, तो मैं इसमें फिर मूव कर गया और गाड़ी मेरे को जल्दी मिल रही थी तो फिर आए स्विच। और इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे सर? इससे पहले मेरे पास थी डिज़ायर डीजल। तो आपका सर शिफ्ट कैसा था कि आप पहले सेडान कार चला रहे थे और फिर आप कॉम्पैक्ट SUV पे आ गए? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। देखिए, सेडान का कंफर्ट इज़ डिफरेंट और जो ये कॉम्पैक्ट SUV है इसका कंफर्ट इज़ डिफरेंट। आज की डेट में देखिए इंडिया में मार्केट जो है, क्योंकि लोगों की चॉइस भी आजकल वो यही कहते हैं कि मेरे को एक कॉम्पैक्ट SUV, मतलब एक SUV सेगमेंट में मेरे को मूव करना है, तो ठीक है सेडान तो हम काफ़ी टाइम से चला ही रहे थे, तो एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई करें इस सेगमेंट को भी। तो ये जो मेरा ट्राई करने का जो ऑप्शन रहा, तो आई थिंक
वो बिल्कुल सही रहा और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कार। जो इसकी परफॉर्मेंस है और जो इसका लुक है, ये मतलब और कार से मतलब स्टैंड आउट करती है ये वाली कार, क्योंकि इसके कंपटीशन में डिज़ाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन को लेके अभी तक इस सेगमेंट में कोई कार अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज़ दी ओनली कार। तो कितने की पड़ी सर आपको ये गाड़ी, एक शोरूम और फिर ऑन रोड प्राइस? ये जो गाड़ी है ये आपका AGS है, डेल्टा प्लस मॉडल है जी, तो ये आपको कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीज़ का। तो ये 1.2 लीटर के साथ? 1.2 लीटर है ये, 1.2 लीटर इंजन में, करेक्ट जी। 1.2 लीटर का ये टॉप एंड मॉडल है, डेल्टा प्लस, करेक्ट, डेल्टा प्लस AGS। तो सर साइड प्रोफाइल वैसे गाड़ी की बहुत अट्रैक्टिव, पर मैं देख रहा हूँ आपने टायर्स यहाँ पे चेंज कराए, अलॉयज लगवाए हैं, राइट, इसका कोई खास रीज़न सर? इसका खास रीज़न यही है कि गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट लगती है और ये मैंने टायर थोड़ा अपग्रेड भी किया है। पहले इसमें 16 इंचेस आते थे जी, मतलब इसमें 16 इंचेस ही टायर आता है, ये मैंने 17 इंचेस लगाया और मेरे टायर भी ब्रॉड हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसका जो रेयर लुक है जी, यही एक मेरा रीज़न था कि ये गाड़ी को मतलब सेलेक्ट करने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है जी, ये आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता है। ये सेगमेंट में ऐसा डिज़ाइन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है मारुति ने इसको फिल किया है सेगमेंट को। इसका जो डिज़ाइन मारुति बोलता है, इट्स अ कूपे, कॉम्पैक्ट SUV कूपे डिज़ाइन है ये वाला जी, जी। और प्लस इसके जो आप टेल लाइट भी देखेंगे, प्लस जो इसका कनेक्टिंग लाइट है, तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ये जो इसका स्टाइल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सर अभी तक आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को? ये गाड़ी आई थिंक चल चुका है समवेयर अराउंड 350 to 400 किलोमीटर आया। तो इसकी फर्स्ट सर्विस अभी तो नहीं होगी? अभी फर्स्ट सर्विस अभी नहीं हुई है इसका। तो बाकी आपका डीलरशिप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीलर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, अक्षरधाम में ही है नेक्सा का शोरूम, तो वहीं से मैंने कार परचेज करी है, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मतलब ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है, क्योंकि गाड़ी आजकल काफ़ी वेटिंग्स में चल रही हैं, तो ये गाड़ी मिल गई थी मेरे को, उन्होंने अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें सजेस्ट करी, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मतलब ग्रैंड विटारा में जाऊँ कि ये फ्रॉन्क्स जब मैंने देखी, तो वही मेरे को थोड़ा सा डिसीजन लेने में मेरे को थोड़ा सा टफ हो रहा था जी। तो फिर उन्होंने मेरे को चीज़ें सजेस्ट करी, बाकी मेरा भी डिसीजन रहा, तो फिर फाइनली उनके सपोर्ट से और ये सारी चीज़ें होने के बाद तो आई ऑप्ट फॉर दिस कार जी सर। तो दोस्तों ये रही सारी बातें फ्रॉन्क्स के एक्सटीरियर की, अब चलते हैं देखते हैं इसका इंटीरियर और कितना दम है इस गाड़ी के इंजन में और कैसा परफॉर्मेंस देती है ये आपको सिटी में और कैसी है ये गाड़ी। तो आइए सारी बातें करते हैं अब गाड़ी के अंदर चल के। तो सर इंटीरियर आपका क्या ओपिनियन है इंटीरियर को लेके? देखिए इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर इसका सिमिलर ही है बलिनो से जी, अदरवाइज इंटीरियर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी जगह देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एलिमेंट यूज़ कर रखा है मारुति ने, 3-tone इसमें आपका इंटीरियर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपको यू विल सी जी। तो इंटीरियर को लेके ऐसा कोई इशू नहीं है, तो माय पर्सनल चॉइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा इंटीरियर गाड़ी का। और अभी जैसे सर गर्मियाँ वगैरह हैं तो एसी का थ्रो कैसा है, आपको कैसा लगा एसी का थ्रो? एसी का थ्रो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ हैं मतलब ऑलमोस्ट जो आ रही हैं उन पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मारुति ने देना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम इस सेगमेंट की भी बात करें मतलब इस गाड़ी की फ्रॉन्क्स की, तो इसके भी बेस मॉडल से ही आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जी, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, बलिनो में भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी हैं। इसका एसी बहुत इफेक्टिव है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं, मारुति की शुरू से गाड़ियाँ जो रही हैं एसी उनका बहुत इफेक्टिव रहा है। तो सर कोई फीचर जो आप बहुत मिस करते हो इस गाड़ी में, या आप 11 लाख रुपये जब खर्च रहे हैं तो आप कहते हो कि ये फीचर तो दे ही देना चाहिए था? हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा, एक तो आपका रेयर व्यू जो रेयर कैमरा है वो एक मिसिंग है, और प्लस एक मेरे को आर्मरेस्ट का थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब इफ़ आई एम स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीज़, तो ये दो चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए थी। चलो बुश बटन का तो मतलब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक कम्फर्ट फीचर है, तो ये आई थिंक होने चाहिए थे, कैमरा, रेयर कैमरा एंड दी आर्मरेस्ट। और सर गाड़ी का परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो कैसा है इसका परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो मेरा, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस तो मेरे को ऐसा कहीं कोई कमी लगती नहीं है, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन है इस गाड़ी का, और इसका AGS ट्रांसमिशन है, तो AGS के हिसाब से गाड़ी का पिकअप वाइज सब कुछ सफिशिएंट है, तो ऐसा कहीं पे मेरे को कोई चीज़ कमी लगी नहीं है। तो सर आपका गाड़ी को लेके ब्रेकिंग वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए ब्रेकिंग का तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि अब आप देख जानते हैं कि जैसे कि अब मोस्टली सभी गाड़ियों में ये स्टैंडर्ड फीचर हो गया है ABS का जी, तो ब्रेकिंग को रिलेटेड कोई भी एज सच कोई इशू नहीं है, तो ब्रेकिंग इज़ गुड, क्योंकि स्टैंडर्ड फीचर है ABS का।
और ट्रैफिक वगैरह में कैसी है गाड़ी? स्मूथली निकल जाती है? स्मूथली निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्मूथली निकल जाती है। आपको इसका बोनट का भी व्यू मिलता है, तो एसयूवी वाला फील दे रही है अंदर से। एसयूवी वाला फील तो मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ, कि मतलब है, ऐसा भी ये नहीं है कि हम एसयूवी वाला बिल्कुल इतने हाइट पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज जो सेगमेंट के हिसाब से है तो यू कैन से कि हाँ, थोड़ी सी सीटिंग इसकी ऊंची है जी। और सर, अगर माइलेज की बात करूँ तो माइलेज वगैरह कैसा है गाड़ी का? गाड़ी का माइलेज जो मेरे को अभी आया है, जो एज़ पर जो गाड़ी का जो सिस्टम दिखाता है, जो ये स्क्रीन पे आता है जी, तो अभी जो मेरे को अभी तक हाईएस्ट आई 17.5। अदरवाइज नॉर्मल इसका जो चल रहा है अराउंड 13-14 का भी एवरेज इसका मेरे को आ रहा है। और सर, नाइट में जब वो गाड़ी चलाते हैं तो लाइट जो है, एलईडी का थ्रो कैसा है? गाड़ी का जो एलईडी का थ्रो, अगर मैं लो बीम की बात करूँ जी, तो बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छा थ्रो है लो बीम पे। हाँ, हाई बीम में थोड़ा सा हमारे को मतलब लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट कमी नहीं है, बट बेटर हो सकता था। तो सर, अगर आपको गाड़ी किसी को सजेस्ट करनी हो कि मतलब आप किसी को प्रेफर करेंगे कि, या आप सजेशन देंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी देख रहे हैं तो आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए आपका जो बजट है, अगर आप बजट अपना इतना लेके चल रहे हैं 10-11 lakhs में, और आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं भी देख रहे, अगर आप मैनुअल के लिए जा रहे हैं जी सर, तो देखिए सजेशन तो मैं हाँ रहेगा कि आप गाड़ी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी मार्केट में लेटेस्ट है, कम्फर्टेबल है। क्योंकि मारुति की गाड़ियों का आपको पता ही है, ये गाड़ियाँ जो अभी आ रही हैं मारुति की, ये सारी कम्फर्टेबल रहती है गाड़ियाँ, तो गाड़ियों में इनमें ऐसी कोई कमी नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपका ये बजट है तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। आप जाके देखिए, आप अपना और भी ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड कि गाड़ी का थोड़ा सा जो लुक्स है और जो कंफर्ट है, थोड़ा सा इस सेगमेंट की गाड़ियों में डिफरेंट है, स्टैंड आउट करता है ये वाला। तो सर, पहले जैसे आप स्विफ्ट चलाते थे और अब आप फ्रॉन्क्स चला रहे हैं, तो दोनों में परफॉर्मेंस में, इंजन में कुछ डिफरेंस लगता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डिफरेंस है। ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट पे लगता है कि अब मेरी हाइट इज 6 feet, तो उसके हिसाब से अब जो मेरा सिटिंग पोजीशन है, तो मतलब इट्स बेटर, तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो इस गाड़ी में वो मारुति की प्रीमियमनेस वाली फील भी आती है? बिल्कुल करेक्ट, ये आपने बिल्कुल ठीक चीज़ बोली है कि इस गाड़ी में आपको प्रीमियमनेस मारुति की मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी आपको मिल भी नेक्सा से रही है, तो जहाँ पे मारुति के साथ नेक्सा वर्ड जुड़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रीमियम सेगमेंट बन जाता है, क्लास ऊपर हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी इस गाड़ी जी सर। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़े थे कुणाल चौधरी जी, और अभी हमने जाना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आप लोगों को भी मदद करने वाला है अपनी सही गाड़ी चुनने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी गाड़ी का डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आइए और हमें उस गाड़ी का नाम मेंशन कीजिए, हम उस पर आपके लिए कस्टमर रिव्यू लेकर आएंगे।